में इम्प्रूवमेंट है सर, यहाँ पे बच्चों पे पर्सनली टीचर्स ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल पूरा अच्छा अच्छा देख रहे हैं। ये बहुत छोटी छोटी एक इनकी शुरुआत है जो इनको एक बड़े लक्ष्य की तरफ खींचती है। पर हर और यहाँ की जो मतलब शिक्षा है वो इतनी अच्छी है कि पेरेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। सभी ने बहुत खुश है जी, बहुत मतलब संतोष है। जो मेरे बच्चे कामयाब हुए हैं एकेडमी वाले ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं जी। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है सर, सब बच्चों ने खुद अपनी मेहनत से बना रखे हैं सारे प्रोजेक्ट और उसको एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो। अच्छा जी, और यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मेहनत कराते हैं और कुछ अटके कराते हैं। जो देखो और जो सिंपल स्कूल होते हैं उसमें खाली किताबी ज्ञान दिया जाता है, लेकिन यहाँ एक अटके पढ़ाई कराई जाती है जो बच्चे के आने वाले भविष्य में काम आएगी। बहुत अच्छा लगा, उनका एनर्जी लेवल भी बढ़ रहा है और यहाँ पे पढ़ने साथ साथ है ना वो मतलब इंक्रेज हो रहे हैं, बार बार नई नई चीज़ें सीख रहे हैं तो अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, बच्चे काफ़ी अलग मतलब क्रिएटिव थिंकिंग पे बेस है सब कुछ, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को। कैप्टन जले सिंह एकेडमी की जो मैनेजमेंट है, इनका जो डिसिप्लिन है, इनकी जो बात करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, बहुत एक्सीलेंट देता हूँ मैं इनको। चरखी दादरी न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का मैं विपिन फोगाट स्वागत करता हूं। इस वक्त चरखी दादरी में कैप्टन जिले सिंह एकेडमी में मौजूद हूं और यहां पर एक साइंस एग्जीबिशन चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मैनेजमेंट से कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार, मेरा नाम भीम है और मैं सेंटर हेड की डेजिग्नेशन पे हूँ कैप्टन जिले सिंह एकेडमी पे। जी सर, इस वक्त क्या कार्यक्रम चल रहा है? सर जैसे आप देख रहे हैं कि आज साइंस एग्जीबिशन एकेडमी में करवाया गया है और जैसे मैं आपको बता दूं इसके पीछे जो मेन पर्पस रहता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का तो वो यही है कि बच्चों का जो ब्रेन है उसकी क्रिएटिविटी बढ़े। समय समय पे जो हम साल में दो बार साइंस एग्जीबिशन को कराते हैं और इसके पीछे का पर्पस यही है कि बच्चे की जो भी क्रिएटिविटी है रिसर्च के सेक्टर में वो जाना चाहता है तो ये एक माध्यम है कि बच्चा साइंस एग्जीबिशन के थ्रू अपनी शुरुआत कर सकता है। देखिए क्लासरूम के अंदर हम बच्चों को कुछ दुनिया की बहुत अच्छी रिसर्च के बारे में बताते हैं, उनको हम बताते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, हम उनको जो टॉप डिस्कवरी है उनके बारे में बताते हैं, जो टॉप रिसर्चर है उनके बारे में बताते हैं, लाइक आज के जैसे एलन मस्क के बारे में बच्चे बहुत जानते हैं तो उनको वो चीज़ें बताते हैं तो बच्चों को ये समझ जाता है कि हाँ कि आज भी कुछ नया दुनिया में हो रहा है और क्यों ना हम भी उन्हीं लोगों में से हों जो कुछ नया बना सकें। और जब बच्चा ये सोचता है तो उसके दिमाग में कई थॉट्स आते हैं कि मुझे ये बनाना चाहिए और बच्चे उस पर काम करते हैं और एग्जीबिशन में आप कई बच्चों में उन चीज़ों को देख पाएंगे कि उनकी जो क्रिएटिविटी है वो इन साइंस के जो मॉडल्स हैं उनमें देखने को मिलती है। यस, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th। आज आपने क्या बनाया है? इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। ये कैसे काम करता है? सर ये 12 वोल्ट से काम करता है, 12 वोल्ट बैटरी जी, और इसके अंदर हमने गियर मोटर यूज़ किया जिससे इसकी पावर और स्पीड बढ़ जाती है। अगर हम इसे बड़े स्केल पे बनाएंगे तो ये एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो सकता है, ट्रेली खींचने में या फिर हैवी लोड के वर्क में हो सकता है, सब ऑलराउंडर है सर। अच्छा कितने बच्चों ने मिलकर बनाया? सर हम तीनों ने। सर बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है, एक्सप्लेन भी अच्छा कर रहे हैं, बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अच्छा आपके बच्चे ने क्या बनाया? वैक्यूम क्लीनर। सर में इम्प्रूवमेंट है सर, यहाँ पे बच्चों पे पर्सनली टीचर्स ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल पूरा अच्छा अच्छा देख रही हूँ। सभी बच्चों ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, सभी ने बहुत जी जान से अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो अभी तक तो मैं नंबर वन किसी को भी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि अभी मैंने सिर्फ हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट्स को देखा है और सुना है। इस तरह के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट बनाना क्यों जरूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है कि वो भी कुछ कर सकते हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलता है कुछ नया सीखने के लिए। ये बहुत छोटी छोटी एक इनकी शुरुआत है जो इनको एक बड़े लक्ष्य की तरफ खींचती है। पर हर बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंस में जब खड़े होकर बोल रहा है, जो उसने एक महीना अपना टाइम दिया है यहाँ पे खड़े होकर इसको प्रेजेंट करने के लिए, वो अपने आप में एक मिसाल है। सर कोशिशें ही जो हैं अक्सर कामयाब होती हैं और ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट इन्होंने बच्चों ने बनाए हैं यहीं से इनको एक शुरुआत मिलती है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। आज थोड़ा गलत भी करेंगे तो उन्हें पता चलेगा जब लोग बताएंगे कि इसमें ये कमी है और ये अच्छा है, जो अच्छा पॉइंट है वो उनको आगे की तरफ बढ़ाएगा और जो कमी है वो भी उनको और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। मेरी गुड़िया पढ़ती है 4th स्टैंडर्ड में। उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने ऐसे ड्रेन का वो बनाया था,
उसी के बारे में अभी देख के आए हैं। आपने घर पे भी उनकी हेल्प की थी क्या? जी नहीं, मैं थोड़ी सी बिजी रहती हूँ, बट बच्चे आजकल के विदाउट सपोर्ट भी सब कुछ कर लेते हैं। और यहाँ की जो मतलब शिक्षा है वो इतनी अच्छी है कि पेरेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सभी ने बहुत अच्छा किया है यहाँ की, मतलब एजुकेशन इतनी बेटर है कि सभी के बहुत अच्छे मॉडल्स थे। अपना मतलब टैलेंट शो हो रहा है, इसके थ्रू ऐसे एग्जीबिशन आगे भी होने चाहिए कि सभी का टैलेंट बाहर निकल के आए। सुमन, कहाँ से आप? सर की दादरी से। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? हाँ जी। आपके बच्चों ने आज क्या प्रोजेक्ट बनाया? जी बच्चों ने ये बिजली वाला ही पानी वाला ही बताया जी। अरे बहुत अच्छा लगा जी, सारे बच्चों ने बहुत मेहनत कर रखी है, आने वाले टाइम में बच्चे बहुत मेहनत करे जी। बहुत खुशी हुई जी, बच्चों से मिलकर भी देख के भी बहुत खुशी हुई जी। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ? एक लड़का है जी मेरे पास। कौन सी क्लास में? चौथी में जी। फोर्थ क्लास? हाँ जी। आपने देखा कि आपका छोटा सा बच्चा इतना अच्छा मॉडल बना रहा है, सबसे पहले मन में क्या आया? जी मन में तो ये आया, आज ये कर रहे हैं कल और भी कुछ करेंगे, बड़े होकर कामयाब हों जी, हम तो ये सोच रहे हैं जी। मतलब बहुत खुश है जी, बहुत मतलब संतोष है, जो मेरे बच्चे कामयाब हुए हैं, एकेडमी वाले ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं जी। मंजू देवी। आपका नाम? ज्योति। ज्योति, आपके भाई यहाँ पढ़ते हैं? यस सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फिफ्थ क्लास में। उन्होंने क्या मॉडल आज बनाया था? विंड मिल पे। विंड मिल पे? यस सर। कैसा प्रोजेक्ट लगा आपको? अच्छा था सर। मतलब इस तरह के मॉडल बच्चों के लिए बनाना क्यों जरूरी है? सर उनकी प्रोग्रेस होती है, उनको पता चलता है कि हम कुछ भी बना सकते हैं ऐसी चीज़ों का यूज़ करके। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है सर, सब बच्चों ने खुद अपनी मेहनत से बना रखे हैं सारे प्रोजेक्ट, और उसको एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो। मैं सुधीर स्वामी चरखी दादरी से ही। जी, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, अभी पहले साल ही मेरे बेटे का, इधर फोर्थ क्लास में है। उन्होंने भी मॉडल बनाया? हाँ बिल्कुल बनाया जी उन्होंने। आपने देखा उनका मॉडल? हाँ बिल्कुल देखा है जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा है जी, और यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मेहनत कराते हैं और कुछ अटके कराते हैं। जो देखो, और जो सिंपल स्कूल होते हैं उसमें खाली किताबी ज्ञान दिया जाता है, लेकिन यहाँ एक अटके पढ़ाई कराई जाती है जो बच्चे के आने वाले भविष्य में काम आएगी, उनको जॉब वगैरह में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी, और खुद का भी कुछ कर सकते हैं, तो काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं इस अकेडमी में। गौरव, आपने क्या बनाया? हाइड्रोलिक बेड। ये क्या काम करता और कैसे काम करता, दिखाएं एक बार। सर ये उसके हाइड्रोलिक बेड इसलिए जिन पेशेंट की रीढ़ की हड्डी टूटी होती है और वो खड़े नहीं हो पाते उनके लिए यूज़ होता है, उनको खाना खिलाने के लिए, और उनको जैसे कुछ पानी पुनी पीना हो उसके लिए इस्तेमाल होता है। यस सर जी। अच्छा एक बात बताए, कैसे आपने बनाया, कितने बच्चों ने मिलकर इसको बनाया? सर हमने 4 बच्चों ने मिलकर बनाया, और ये हमने कार्डबोर्ड और सिरिप से बनाया है। एक प्लस टू में है गुड़िया, और वो मैंक 6th क्लास में। 6th क्लास में उसने भी प्रोजेक्ट बनाया मैंक ने? हाँ जी बनाया है वो। क्या प्रोजेक्ट बनाया उन्होंने? स्मार्ट सिटी बनाई आपके। हाँ। भाई ने कैसा लगा आपको देख? बहुत अच्छा लगा, उनका एनर्जी लेवल भी बढ़ रहा है, और यहाँ पे पढ़ने साथ साथ है ना वो इंक्रेज हो रहे हैं, बार बार नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। मैं भी यहीं पे पढ़ रही हूँ, मैं 12th में हूँ, मेरी 12th पूरी होने वाली है, बस यही 2-3 दिन बचे, उसके बाद पेपर देने हैं बस। हाँ 2 साल मेरे बहुत अच्छे गए हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बुरा भी लग रहा है कि छोटी सी जाएंगे, पर फिर भी होता है थोड़ा बहुत। पहाड़ी इलाके में खेती कैसी उगाई जाती है पैड़ियाँ लगा करके। कैसा लगा आपको प्रोजेक्ट? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बता, इस तरह के प्रोजेक्ट बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? उनको आगे सीखने के लिए कुछ मिलता है जी। देखिए बच्चों ने काफी अच्छा ये प्रोजेक्ट बनाया है कि पहाड़ी क्षेत्र में खेती बाड़ी कैसे की जाए। सावी आपने क्या बनाया? टेरेस फार्मिंग कैसे काम करती है ये? इधर पहाड़ों में खेती कैसे होती है इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। कौन? शुभम। शुभम आपने क्या बनाया है? डीजे। डीजे बनाया आपने? यस। कैसे बनाया? इसमें 70 रुपए लगते हैं, एक तो चिप आती है और एक लिथियम की बैटरी, और एक चुंबक आती है मैग्नेट, जिससे हम साउंड को वाइब्रेट करते हैं। जो चिप होती है हम उसमें पेन ड्राइव और ब्लूटूथ के जरिए इसमें सॉन्ग बजा सकते हैं, और लिथियम की बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद ये चार्ज भी हो जाती है जल्दी, और हमारे घरों में जो फ़ोन के चार्जर होते हैं उनसे चार्ज होती है जी। अच्छा कितना टाइम लगा आपको ये बनाने के लिए? इसमें बस थोड़ा सा टाइम लगा, 1-1.5 घंटा। अच्छा किसने सिखाया आपको ये बनाना? ये हमारे सर ने सिखाया। क्या सिखाया सर ने? सर ने सिखाया कि मैग्नेट जो होती है वो साउंड को प्रोड्यूस करती है और वॉल्यूम को ज़्यादा कर देती है, और ये चिप होती हम ये इस चिप का नाम हम अगर इंग्लिश साइंस में दें तो इसका नाम होता है मदर प्लेट। ये मदर इसलिए क्योंकि ये पूरे सिस्टम को जन्म देती है, और इसकी ये पूरे प्रोजेक्ट में सबसे अच्छी चीज़ है। मतलब टीचर्स कितना हेल्प करते हैं आपका? टीचर्स हमारे हमको पहले तो बताते हैं और फिर हमको करने के लिए देते हैं, अगर हम इनके अंदर कोई कमी हो, हाँ कमी हो तो हमको सिखाते हैं।
जी देखिए कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं वो बच्चों को काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों को काफ़ी बारीकी से चीज़ें समझाते हैं और उनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। भावना सर, भावना कैसा इन्वायरमेंट है यहाँ का? सर काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, बच्चे काफ़ी अलग मतलब क्रिएटिव थिंकिंग पे बेस है सब कुछ, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को। आपके घर से कोई पढ़ता है यहाँ पे? हाँ जी। कौन पढ़ता है? मेरा भाई पढ़ता है सर। कौन सा आपका भाई? कार्तिक। कार्तिक क्या बनाया आपने? स्मोक मशीन। स्मोक मशीन बनाई है, कैसे काम करती है? सर ये पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए काम आती है। अच्छा, देखिए किस तरह से, देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो है बच्चे बारीकी से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और उनके टीचर की हेल्प से कहीं ना कहीं ये अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा लगा आपको ये देख के कि आपके भाई ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब सिर्फ मेरे भाई का नहीं, सभी बच्चों का काफ़ी ज़्यादा मेहनत दिख रही है, सभी बच्चों ने अपने लेवल के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रखी है। अच्छा एक बात बताएं, बच्चों के लिए इस तरह से प्रोजेक्ट बनाना क्यों आवश्यक है? बुकिश नॉलेज पे हम बेस नहीं रह सकते क्योंकि बुकिश नॉलेज कहीं पे भी काम नहीं आती। अगर आप कहीं पे भी देखोगे ना तो आप मतलब अगर हम बच्चों को दो दूनी चार सिखाएंगे वो उनको रटा जाता है, लेकिन हम उसको बताएंगे कि दो दूनी चार इसलिए होता है क्योंकि दो और दो को हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, दो चॉकलेट तो वो उनको याद रहता है। और इसीलिए सर बुकिश नॉलेज पे बेस नहीं रहना चाहिए सब कुछ। बहुत सारे टीचर्स ने सोच के क्या होगा, क्योंकि जब हम कोई भी नया स्टेप उठाते हैं तो वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, मतलब टीचर्स को भी डबल मेहनत करनी पड़ती है। अगर देखा जाए तो आज का दिन छुट्टी होता है, सब रेस्ट करते हैं आराम से, लेकिन टीचर्स की भी डबल ड्यूटी है और बच्चों को काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है। वो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को नहीं देखेंगे, वो अगर उनका प्रोजेक्ट बाय चांस रिजेक्ट भी हो गया, मतलब अगर वो पोजीशन में नहीं आया तो वो ये भी तो देखेंगे कि जो फर्स्ट आया उसने क्या बेटर किया था मेरे से जो वो फर्स्ट आया, तो इसलिए कंपटीशन भी बिल्ड होगा और वो काफी कुछ नया भी सीखेंगे। मुकेश कुमार, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हाँ जी मेरा बच्चा पढ़ता है। आपके बच्चों का मॉडल आपने देखा? नहीं अभी नहीं देखा, अभी मैं जस्ट पहुँचे। अच्छा एक बार बताए कैसा इन्वायरमेंट लगा आपको यहाँ? इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है जी, कैप्टन जलेश सिंह एकेडमी की जो मैनेजमेंट है, इनका जो डिसिप्लिन है, इनकी जो बात करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, बहुत एक्सीलेंट देता हूँ मैं इनको, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, हर साल करते हैं, स्पोर्ट्स का भी करते हैं। मैम इस तरह के कार्यक्रम करना क्यों आवश्यक होता है? बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। बच्चों से हम बातचीत कर लेते हैं, आज उन्होंने साइंस एग्जीबिशन के दौरान कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है? आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम दीक्षा है। दीक्षा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? सर हम 6th क्लास में हैं। आज आपने क्या बनाया? सर आज हमने वर्किंग मॉडल ऑफ किडनी बनाया है। सर हम आपको इसकी फंक्शनिंग भी दिखाएंगे, एक मिनट। सर जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा दिल है वो हमारे पूरे शरीर के अंदर खून देता है, जैसे ही वो एक बार दे देता है तो वो खून जो है वो अशुद्ध होता है, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी है वो उसको टॉलरेट नहीं कर सकती, इसीलिए प्योरीफाई करने के लिए वो हमारे जो खून है, जैसे कि देखिए सर हम देख भी सकते हैं कि जो हमारा खून है वो ऐसे इस प्रोसेस से कि वो किडनीज के हमारे हार्ट के थ्रू किडनीज से होकर प्योरीफाई होकर हम जो इनप्योरिटीज़ हैं वो एनस के थ्रू अलग हो जाती हैं और जो साफ ब्लड है वो वापस हमारे हार्ट के पास आकर सर्कुलेट होता है। अच्छा कितने बच्चों ने ये प्रोजेक्ट बनाया मिलकर? सर हम 3 बच्चों ने मिलकर बनाया है प्रोजेक्ट। आपने क्या काम किया इस प्रोजेक्ट के लिए? तो आपने क्या बनाया? किडनी बनाई आपने? अच्छा आपने क्या बनाया? मैंने हार्ट, ये मैंने ड्रॉ करके इसको पेस्ट करा था। अच्छा ड्रॉ करके पेस्ट किया था। देखिए बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है और काफ़ी ज़्यादा अभिभावक जो यहाँ पर विजिट कर रहे हैं इस साइंस एग्जीबिशन में ये देखने के लिए कि बच्चों ने कौन कौन से मॉडल बनाए हैं और टीचर्स किस तरह से बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। मेरा नाम निर्मल मैम है सर। बच्चों ने अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग प्रोजेक्ट जो बनाए हैं वो टीचरों के इंस्ट्रक्शन पे ही बनाए हैं और आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने अच्छी तरह से अपने अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और बहुत खुश हैं। अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, इतने छोटे बच्चों को इतनी बारीकी से समझाना क्या चैलेंजिंग नहीं होता? सर चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन आज के टाइम में ये बहुत ज़रूरी है और काफ़ी दिनों से हम बच्चों पे मेहनत कर रहे थे और बच्चों की मेहनत आपको दिखाई दे ही रही है, आज आप देख सकते हो इनकी मेहनत। चलिए मैनेजमेंट से भी हम बातचीत कर लेते हैं कि इस तरह से लगातार बच्चों को वो कैसे मोटिवेट कर पा रहे हैं और इतने छोटे छोटे बच्चों को बारीकी से वो चीज़ें बताना समझाना और उनको मॉडल बनाने में मदद करना किस तरह से इनके सामने चुनौतियां होती हैं और कैसे इन चुनौतियों से बच्चों को पार लगाते हैं। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार जी सर। आपका शुभनाम? शुभनाम सर मैं राज सांगवान सर। राजी एक बात बताएं, इस तरह के प्रोजेक्ट क्यों आवश्यक है बच्चों के लिए? सर ये आप देख रहे होंगे, आपने पूरी साइंस एग्जीबिशन में ये प्रैक्टिकल चीज़ों को दर्शाया गया है, जो हम बच्चे किताबों में पढ़ते हैं, NCERT की बुकों में जो पढ़ते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल आना जरूरी है,
प्रैक्टिकल अगर कॉन्सेप्ट होगा तो बच्चा इन फ्यूचर अपना बिजनेस भी कर सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल जो गवर्नमेंट जॉब का जो क्रेज़ है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रही नहीं है, गवर्नमेंट जॉब रही नहीं है, तो अब एच के आर एन के तहत भर्तियाँ हो रही हैं। बट आज के दिन आपको मैं बताऊं कि आईटी के अंदर भी बहुत सारी फील्ड है, बच्चे को गवर्नमेंट जॉब की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर बच्चा प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट पे जाएगा तो आज आप इन प्रोजेक्ट्स में बच्चे बता रहे हैं कि हम इससे बिजनेस कर सकते हैं, वाइंड मिल बनाया है, तो बच्चा बता रहा है कि राजस्थान में जैसे जिन इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी की पोल नहीं पहुँच पाते तो इस वाइंड मिल के थ्रू हम अपनी बिजली को पहुँचा सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो इससे बिजनेस की संभावनाएँ बढ़ती हैं, बच्चे के अंदर एक आईटी इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बढ़ती है। आप देखेंगे कि फार्मिंग को भी दर्शा रखा है कि आज के दिन एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा जो है इस प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हमने बच्चों ने दर्शाया है कि एग्रीकल्चर के अंदर भी हम चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। बैंकिंग को भी दिखाया है, फाइनेंस को भी दिखाया है बच्चों ने, और आईटी को तो आप देख ही रहे हैं, और मेडिकल को। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, फोर्थ क्लास से जो बच्चे हैं वो भाग ले रहे हैं आज साइंस एग्जीबिशन में, क्या आपके लिए चैलेंजिंग नहीं होता इतने छोटे बच्चों को बारीकी से समझाना? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे आपको मैं बताना चाहूँगा आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि हमारा 4 to 8 क्लास बैग फ्री है, हमारा टोटली कॉन्सेप्ट ही प्रैक्टिकल चलता है। और जब बच्चे को प्रैक्टिकल चलता है तो बच्चा प्रैक्टिकली इन चीज़ों को सीख रहा होता है। हम फार्मिंग को भी बच्चे के जो मॉडल्स हैं वो सारा सबको टीचर उनको प्रैक्टिकल चीज़ों को डिनोट करके दिखाता है, तो इसलिए बच्चों को चैलेंज नहीं आता इन सब चीज़ों के अंदर। का कहना है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह की एक्टिविटी में भाग लेना और बढ़ चढ़ कर रुचि दिखाना बहुत ही जरूरी हो गया है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में बच्चों को रोजगार पाने में इस तरह की एक्टिविटी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।